नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं? आज दिसंबर की 15 तारीख है और मेरे बहन भाइयों ने बहुत सारी जो प्लांट्स की फ्लावर जो प्लांट्स की है उनकी नर्सरी तैयार कर रखी हुई होगी और प्लांटर की उन्हें खूब ज़रूरत पड़ रही होगी। अगर खूब सारे लगाना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने कई तरीकों से आपको बताया हुआ है, जूस के डिब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय पत्ती के डिब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किचन में और भी बहुत सारे तरह के डिब्बे आते हैं। पर आज मैं आपको एक बहुत ही चीप एंड बेस्ट तरीका बताऊंगी, जो कि आप अगर अपने गार्डन में इसका इस्तेमाल करते हो तो आप खुशी भी महसूस करोगे। तो वो मैं ये बताऊंगी कि ये प्लांटर मैंने ये देखो बना रखा हुआ है, ये फ्रेंच जो मैरीगोल्ड होते हैं ऐसे, उसमें छोटे छोटे प्लांटर में ये खूब अच्छे से चलते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, ये इस तरह से ये प्लांटर ये मैंने बनाया है अभी कुछ दिन पहले ही मैंने, पता नहीं मैं दिखा पा रही हूँगी तो मैं अच्छे से दिखाती हूँ आपको। ये कुछ दिन पहले ही मैंने इन्हें, 4-5 दिन हुए होंगे शायद, तो ये मैंने कुछ नर्सरी जो है फ्रेंच मैरीगोल्ड की तैयार कर रखी हुई है, और छत पे जैसे बहुत ज़्यादा भार भी नहीं डालना चाहिए, तो वेस्ट मटेरियल से ये जैसे घर में जो दुपट्टे वगैरह होते हैं, जहाँ जो मेरी बहनें साड़ियाँ वगैरह सिंथेटिक की पहनती है, अगर सिंथेटिक के आपको मिल जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, तो बहुत ये काम के होते हैं। तो करना क्या है आपने, और ये सिर्फ जो हमारे गली मोहल्ले में ये सामान जो साइकिल वाले बेचते हैं, ये 10-10 रुपए की, ये बास्केट जो आती है ना 10-10 रुपए की आती हैं, जहाँ वो मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि वो एक पोट में मैंने कुछ ग्रो किया था कि किस तरह से वो ग्रो करना है। तो उस तरह से अगर आप ले लेते हैं अपने गार्डन में लगाते हैं तो एक तो आपकी ज़रूरत भी पूरी होगी, दूसरा ये जो सामान जो बेचते हैं इस तरह के, ये 10 रुपए की बास्केट। तो अगर स्टेटस का चक्कर है, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो इस बात को आप थोड़ा दूर रखिए और ये सोचिए कि अगर जब आप हजारों रुपए अपने ऊपर खर्च करते हैं, तो जब अगर आप ये साइकिल वालों से या इनसे रेडी वालों से 10-10 रुपए की चीज़ वो कितना कमा लेते होंगे, तो इनडायरेक्टली आप उनको हेल्प कर रहे हैं। पर उन पे कभी भी एहसान ये थोपने की वो ना चेष्टा ना करें कि हम उनसे ये सामान खरीद रहे हैं। तो मेरा अपना है ये सोचना कि उनसे बहस भी नहीं करनी चाहिए, मोल भाव भी नहीं करना चाहिए, तो इनडायरेक्टली फिर हम उनकी या उनकी फैमिली की हेल्प ही करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी भी ये एक ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, क्योंकि छत पे अगर हम बहुत ज़्यादा भार डालते हैं या इतने इसमें आप बहुत ही खूबसूरती से इसे डेकोरेट कर सकते हैं, जो आपके वेस्ट मटेरियल कपड़े पड़े हुए हैं उनसे आप इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत भी पूरी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें मैंने ये 4-5 दिन पहले ये ग्रो किए थे, ट्रांसप्लांट किए थे मैंने, तो ये खिलना भी अब स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरह से अभी बर्ड्स थी इन पे आई हुई, तो आजकल जब इनका सीजन होता है खिलने का तो ये बहुत जल्दी खिलते हैं, तो ये इस तरह से आप रख सकते हैं, ये कोई भी कपड़े से रैप करके, ताकि ये मिट्टी जो है हमारी ये बाहर ना निकले, किसी भी तरह का आप कपड़ा ले सकते हैं। तो इन्हें तो चाहे आप ऊंची जगह पे रखिए तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो बनाने कैसे हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगी। ये मेरा एक कंडम पड़ा दुपट्टा जो मेरे काम का नहीं था, मैंने इसके 3 टुकड़े कर लिए हैं, इस तरह के बास्केट मैंने एक और बनाई है और उस पे मैंने पिटूनिया जो ट्रांसप्लांट किए हैं, तो ये ऐसे इस टोकरी को लेके ये ऊपर उठाना है। हमारे पंजाब और हिमाचल में तो इसे किरनी भी कहते हैं और कई लोग इसे छिक्की भी कहते हैं। तो ये ऐसे इस बास्केट को ये बस दुपट्टा जैसे काट के, तो दुपट्टे का आपने देख लेना है कि कितना चाहिए, जितनी बड़ी चीज़ है। तो मैंने जैसे ये मेरे को लगा कि इस तरह से इसको रैप करना है, ये ऐसे पूरा सेंटर में इसको रख के, और मैंने नाप के ये देख लिया था कि ये फोल्ड जो हमारे हैं ये पूरे इसके अंदर तक आ रहे हैं, जो इसके हमें छेद है ना ये जो निकले पड़े हैं ये हमें बंद करने हैं, तो इस तरह से ये अंदर की ओर करने हैं, और फिर अंदर को ये कपड़ा ऐसे फैला देना है। ये देख पा रहे हैं आप, ऐसे अंदर को
अच्छे से ऐसे फैला देना ताकि ये पूरा कवर हो जाए, मिट्टी जो हम डालें, और दूसरी साइड से भी ये ऐसे पिरो के ऐसे अंदर को फैला देने हैं कि पूरे कवर हो जाएं, छेद हमारे पूरे कवर हो जाएं, और ये ऐसे इस तरह से ये ऐसे देख पा रहे हैं आप, और इसे ये ऐसे कर लेना है इस तरह से। तो चाहे तो आप इसको ये इसमें इस तरह से भी ऐसे कर सकते हैं, ये इस तरह से भी कर सकते हैं, भी जैसा आपका मन करे, आपको सुविधा लगे। तो मैं अब ऐसे करूँगी, ये मैंने नाप के कपड़ा देख लिया था कि ये कपड़ा पूरा इतना रैप हो रहा था, तो मैंने फिर तीन टुकड़े कर लिए थे। तो ये पूरा दुपट्टा है, जितना कि दुपट्टा जितनी दुपट्टे की लंबाई होती है, तो ये बस ये सेंटर में रख के एक सिरा, ये चार कोने हैं, एक सिरा ये इसका ऐसे ये टोकरी के बीच में इस तरह से, ये दिखा पा रही हूँ मैं, पता नहीं, ये ऐसे ये कवर हो गया अंदर से, ये कवर हो गया। और ये जो दूसरा सिरा है, ये फिर मैं बता रही हूँ, ये दूसरा सिरा जो ऐसे आता है ना, ये इसको ये बीच में ले लेना है हमने, बीच में, ताकि ये पकड़ हो जाए हमारे, ये पकड़ हो जाए इसकी, ये निकले ना, बाहर ना निकले, एक सिरा बाहर से और एक सिरा अंदर से, ये इस तरह से ये ऐसे हो गया। और एक सिरा जो है ये तीसरा वाला सिरा, इसको भी ऐसे, और ये जो चौथे वाला एक सिरा है, इसको ये इसके अंदर से ये ऐसे अंदर से ले लेना है। और ये इनको फिर क्या करना है आपने, ये कवर जो, ये जो जाली दिख रही है ना, बाहर से तो हमारी कवर होगी, और अंदर से भी इसको ये ऐसे कवर करना है इस तरह से, ये आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे चारों तरफ से, और थोड़ा खींच लो जो जैसे बाहर को आ रहे हैं, तो ये खींच लो, ये पूरी ऐसे कवर आ रही है, और ये इस तरह से, ये देख पा रहे हैं। और अगर ये कवर नहीं होती है तो फिर क्या, हम मिट्टी डालेंगे तो ये छेदों से ये बाहर चली जाएगी, और ये कपड़ा ये ऐसे फिर बाहर को आने लगेगा। तो इस तरह से ये देख पा रहे हैं आप, ये बस इस तरह से कंडम कपड़ा, कपड़ा जो आपके घर में, आप कोई शर्ट भी ले सकते हैं, ये इस तरह से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आप देख पा रहे हैं। बस मिट्टी डालते हुए थोड़ा ये कस लेना है इसको, अभी तो मिट्टी नहीं ना हमने डाली, ऐसे करके ये ऐसे आ जाएगा, फिर इस तरह से आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये मिट्टी डलेगी ना फिर आ जाएगा। तो ये जैसे हमने ये कवर कर लिया है, तो मैंने क्या किया कि जैसे मेरे पास सूखी उसकी पत्तियाँ होती हैं, ये इस तरह से खींच लेना आपने मिट्टी डालते हुए, सूखी पत्तियाँ होती हैं प्लांट्स वगैरह की, वो भी डाल देती हूँ ताकि वो खाद वगैरह उनकी बन जाए, और मिट्टी फिर बाद में जब दोबारा भी पौधे लगाने होंगे तो भी मेरी मिट्टी अच्छी बनी होगी। तो अब मेरे पास जैसे ये नारियल का ये जूट पड़े हैं, तो मैं थोड़े से ऐसे रखती जाऊँगी, तो मेरे पास पड़े थे इसलिए मैं रख रही हूँ, तो आपके पास अगर नहीं है तो आप ना रखें, आप सीधे मिट्टी भी जो ये बनाई होगी ये इस तरह से ये ऐसे, ताकि ये जो अंदर वाले जो होल हैं ये पूरे कवर हो जाएं, ये देख पा रहे हैं। तो मैं ये नारियल के ये ऐसे भी रख लूँगी ताकि जड़ें जब फैलेंगी तो अच्छे से इनके साथ फैल जाएं, और ये जब तक फूल आते रहेंगे, और जो ये इसका नारियल का जो छिलके हैं ना, ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो ये मेरी मिट्टी को हेल्दी बना देंगे। ये इस तरह से मैंने डाल लिए हैं, ये इस तरह से मैंने डाल लिए हैं ये। और अब मैं क्या करूँगी, और ये पूरा ये देखो अंदर से कवर हो गया है ना, नहीं दिख रहे ना आपको, छेद नहीं दिख रहे ना, बस आपने खुद ही कर लेना है ये, इसको बस दुपट्टे को ऐसे खींच लेना है, इस तरह से खींच लेना है। और अब मैंने जैसे गार्डन के लिए मिट्टी, जो पुराने बहुत पुराने गमले थे, काफ़ी सालों पुराने गमले थे, उनकी मिट्टी चेंज नहीं करी हुई थी, खाद खुद मैंने कुछ डाला नहीं हुआ था, बहुत हार्ड जैसी मिट्टी हो गई थी, तो उस मिट्टी में मैंने जैसे आपको सिखाई थी बनाना, तो वही मिट्टी ये चार पांच गमलों की मैंने की थी, तो खाद मिलाई थी, और ये बस मिट्टी डाल देनी है इस तरह से, ये दुपट्टे को टाइट करके ये ऐसे डाल देनी है मिट्टी, बस सिंपल सा। ये मिट्टी भरनी है तो मैं भर देती हूँ मिट्टी, नहीं तो फिर मेरा वीडियो अगर मैं दिखाती रही तो बहुत लंबा हो जाएगा। बस ये कपड़े को ऐसे पकड़ लेना, जब ये मिट्टी आप डालोगे ना, ये इस दुपट्टे को इस तरह से, ताकि ये जो मिट्टी से आपका ये टाइट हो जाए, नीचे को हो जाए, ये इस तरह से हो जाए, लूज ना रहे आपका दुपट्टा। आपने ये करना है बस, इस तरह से अच्छे से मिट्टी दबा देनी है,
ये जो आ रहा है ना बाहर को, बस इस पे ये मिट्टी ऐसे चढ़ा देनी है अच्छे से। तो ये मैं अभी चढ़ाती हूँ, उसके बाद जब पौधे लगाऊंगी फिर मैं आपको बताऊँ। ये मैंने मिट्टी जैसे ये इतनी भर ली है ताकि प्लांट्स इन पे रखे जाएं। तो ये सिरे जैसे बाहर को आ रहे हैं, तो इनको ये फोल्ड करके, ये ऐसे फोल्ड करके, और फिर ये और मिट्टी ऐसे सफाई से और मिट्टी ये इधर साइड पे दबा दीजिए ताकि ये इस तरह से दब जाए। और इस तरफ से भी जो ऐसे किनारे दिख रहे हैं वो भी आप फोल्ड करके ये मिट्टी की तरफ, ये मिट्टी में आपने दबा देने हैं अच्छे से। तो मैंने तो दुपट्टा अगर बड़ा रखते हैं तो ये सिरे आएंगे ही नहीं। मैंने क्योंकि दुपट्टा भी पूरे का पूरा इस्तेमाल किया है, उसके मैंने 3 पीस बनाए हैं। अगर मैं 2 बनाती तो तब तो ये खूब सारा हो जाता। तो ये देखो इस तरह से ये बन गया है, ये आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह से ये बन गया है हमारा। और अब हमने ये प्लांट्स जो ये एक हफ्ता हो गया है और जो मैंने अभी लगाए हैं वो भी मैंने मेरे ख्याल से 2-3 दिन के बाद लगाए थे। तो अगर ये इस तरह से निकाल के आप थोड़ा सा पानी, हल्का सा पानी डाले रखते हैं और छाया में रखते हैं तो इन्हें कुछ नहीं होता है। और ऐसी बड्स आई हुई थी और 3-4 दिन में ही लगाने से उन पे जो है वो खिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं ये सारे के सारे लगा दूंगी, मेरे पास मैंने और भी खूब खींची हुई है। और मुझे इस टाइम जो है प्लांटर की खूब सारी ज़रूरत है, तो बस ऐसे रख के मैं इन पे मिट्टी धीरे धीरे चढ़ा दूंगी, ऐसे डाल दूंगी। और आप देखना कुछ दिनों में ही इन पे फूल देखना आप कितने अच्छे से आए होंगे। ये बस ये मिट्टी ऐसी कर देनी है और जब तक बस 2-3 दिन आप इन्हें छाया में रखना। आजकल वैसे भी जैसे बादल वगैरह ज़्यादा रह रहे हैं तो वो मैंने मेरे ख्याल से हाँ टैंकी के पास रख दिए थे जहाँ धूप तो आती थी थोड़ी, पर सीधी धूप नहीं पड़ती थी। तो आज मैंने उनको धूप में रख दिया, पर धूप मेरे आज आ नहीं रही, बादल हैं, पर मैंने जैसे धूप जहाँ पे आती उस जगह में रख दिया। बस इस तरह से ये आप देख पा रहे हैं, जैसे बस प्लांट्स जैसे लगाते हैं वैसे ही लगा देने हैं, ये ऐसे दबा देने हैं। अब मैं इनको ये दबाती रहूँगी, ये इस तरह से दबाती रहूँगी, ये अच्छे से ये ऐसे दबा देने हैं ऐसे, ताकि मिट्टी में ये दब जाएं ठीक अच्छे से। और ये भी ये जो लुढ़क रहे हैं ये पतले हैं तो इसलिए लुढ़क रहे हैं, तो ये मिट्टी, इसमें मिट्टी भी कम लगती है और ये प्लांटर हमारा बहुत ही हल्का है और हमारी कोई छत पे ज़्यादा भार भी नहीं डालेगा। ये इस तरह से बस ये मिट्टी चढ़ा देनी है आपने। अब इसको गिल्ला करना है क्योंकि सूखी मिट्टी है, ये आपके प्लांट्स ये थोड़े लुढ़क रहे तो गिल्ली मिट्टी में ये फिर ये अच्छे से सेट हो जाएंगे और मिट्टी फिर हम डाल देंगे ज़रूरत पड़ने पर। तो ये सूखी मिट्टी है, खूब सारी पानी इसमें डाल देना है और इसको तब तक छाया में रखना है। और ड्रेनेज सिस्टम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें से अपने आप ये पानी जो है ये देखना निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि इसमें इतने सारे होल्स बने हुए हैं पूरी टोकरी में। और दुपट्टा हमने इसलिए लगाया है कि उन्हें कवर करने के लिए। तो ये हमने मिट्टी लगा दी है, साइड पर डाल दी है और बस 1-2 दिन के बाद ये प्लांट्स जो हैं हमारे अच्छे से ये खड़े हो जाएंगे। अब जैसे लुढ़क रहे हैं वो, ये वैसे भी बहुत पतले जैसे हैं जो, इसलिए भी ये लुढ़क रहे हैं। तो जब इन्हें अच्छी धूप मिलेगी फिर ये अच्छी मिट्टी, और क्योंकि पहले तो ये इकट्ठे थे, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जैसे पौध तैयार करनी होती है कुछ कुछ, जैसे मेरे प्लांट्स खूब सारे फूलों फूल जैसे आते रहते हैं और उनका टाइम हो जाता है, फिर मैं बीच बीच में कुछ कुछ दिनों बाद दोबारा पौध तैयार कर देती हूँ, गमले के एक साइड में लगा देती हूँ, और जो जब वो तैयार हो जाती है तो ताकि लंबे टाइम तक हमारे घर में फूल बने रहें, ये सब करना है। तो ऐसे दबा देना है आपने, ये देखा ऐसे दबा देने हैं ये। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, इनके रूट्स का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ज़्यादा दब जाएं या क्या है, बहुत अच्छे से ये चलते हैं। बस यही करना है। तो ये हो गया हमारे लग गए प्लांट्स, लग गए और छाया में रखना है। और थोड़े से फिर जब ये अच्छे से, ये तो वैसे अभी चल ही रहे हैं, ठीक ही लग रहे हैं ये, क्योंकि इनके रूट्स को मैंने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया था, उनके साथ मिट्टी लगी हुई थी और पानी के साथ रखे हुए, तो ऐसे
फिर अगर हमें थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो हल्की लकड़ी लगा के हम ऐसे इनको सीधे कर देंगे, लगा देंगे। तो अभी ऐसे ये लोड कर रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा लंबे हो गए हैं, इस तरह से ऐसे कर देने बस। ये तो देखा थोड़ी सी मिट्टी में ये हमारे प्लांट्स लग गए हैं, इस तरह से लग गए हैं ये थोड़ी सी मिट्टी में। और अब हम इन्हें 2 दिन रखेंगे छाया वाली जगह में, और फिर 3रे दिन हम थोड़ी जहाँ पे थोड़ी सी धूप आती होगी वहाँ रख देंगे। और उसके बाद ये थोड़े पतले थे, ज़्यादा पतले थे, और ये जो ये मैंने लगाए ये 3रे दिन ही, इन पे भी ये इसी तरह की बड्स थी तो ये छोटी छोटी थी, तो अब ये थोड़े ज़्यादा हेल्दी हैं इनसे, तो पौध एक जैसी ही थी तो वो थोड़े पतले हैं तो उनको धूप लगेगी, अगर मैं सपोर्ट दूंगी तो वो 4-6 दिन में ही अच्छे हो जाएंगे। तो इस तरह से हो जाएंगे, अब ज़्यादा अच्छे इनको खुराक लेने लगेंगे, जड़ें जब इनकी जमने लगेंगी बीच में तो फिर ये खूब हेल्दी और अच्छे हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलते चलते मैं कुछ और दिखा दूँ, अगर आपके पास जूट नहीं है तो जूट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास था तो मैंने इसलिए इस पर डाल दिया, और इसमें मैंने पत्तियाँ डाली हैं, मेरे पास सूखी पत्तियाँ खूब सारी थी। चलते चलते मैं कुछ और दिखाती हूँ। ये जो मैंने सुबह करेले वाला बेल वाला जो वीडियो डाला था ना, हाँ, तो इस पे इस बेल की तो मैं कोई केयर भी नहीं कर रही हूँ, तो मैंने ये सब बातें शेयर नहीं की, मैं बताने भूल गई। और ये जो कुछ दिन पहले ऊपर तक ये जैसे अच्छे से फैली हुई थी बेल, तो मैंने इसको इकट्ठा कर दिया हुआ, इस बेल को ये सब जैसे अच्छे से फैली थी ना ऊपर तक, तो मैंने पूरा एक ही तार पे इकट्ठा कर दिया था, तो मैंने ये इंतज़ार में थी कि किसी दिन मेरे को टाइम लगेगा तो मैं इसको उतारूंगी। और इसके और भी वो बैक साइड में भी खूब सारे छोटे 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 करेले आ रहे हैं जो मैंने दिखाए नहीं थे। तो जो डिब्बा लगा है तो डिब्बे में देखिए ये डबल वाला हिबिस्कस मेरा, तो ये फूल खिला पड़ा है। तो चलो चलते चलते मैं आपको ये भी दिखा दूँ कितना खूबसूरत ये लग रहा है, ये देख पा रहे हैं आप। तो करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो मेरे बहन भाई इस तरीके से प्लांटर बनाना चाहते हैं तो वो खूब सारे बना सकते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।